हेलो फ्रेंड्स, गिल्स मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ते सोडा स्वागत है। अज 3 जुलाई है ते आपां रेडी आं अपने करंट अफेयर सेशन दे नाल। करंट अफेयर सेशन जो कि इंपोर्टेंट रहेगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स, पंजाब पटवारी, पीपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और बैंकिंग एग्जाम्स दे लई। स्टार्ट करांगे सेशन, सब तो पहले सेशन नू शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिथे भी शेयर कर सकते हो, जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स दे नाल जुड़े हुए हो काइंडली सेशन नू शेयर करना स्टार्ट कर दें। डिफरेंट डिफरेंट बैचेस लॉन्च किए गए हैं, चाहो तो एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने दे लई सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वैबसाइट का लिंक इत्थे दिता होया। चैनल नू फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करांगे सेशन, सब तो पहले उन्हां न्यूज़ नू डिस्कस करांगे जिन्हां नू कल दे सेशन दे विच डिस्कस किया सी, एमसीक्यू फॉर्म दे विच उन्हां दी रिवीजन करांगे। उस तो बाद चलांगे अज दी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ नू एमसीक्यू फॉर्म दे विच डिस्कस करांगे। तो नैशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई नू ऑब्जर्व किया गया। नैशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई नू डॉक्टर बीसी रॉय दी बर्थ एनिवर्सरी नू मार्क करन दे। इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे 30 जून नू ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड सोशल मीडिया डे 30 जून नू ऑब्जर्व किया गया। इस तो अलावा GST की अगर आप गल करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। आई आई टी मद्रास द्वारा क्रेस्ट बनाया गया सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग। किसने बनाया? IIT मद्रास ने बनाया। वर्ल्ड बैंक ने 500 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है टू सपोर्ट इंडियाज इनफॉर्मल वर्किंग क्लास, इंडिया दी इनफॉर्मल वर्किंग क्लास दे लिए। इंडियन अमेरिकन अभिमन्यु मिश्रा इंडियन अमेरिकन ने यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर बने ने वर्ल्ड दे सिर्फ 12 साल 4 महीने की उम्र दे विच। निहाल सरीन केरला तो बिलोंग करते ने, सिल्वर लेक ओपन चेस टूरनामेंट जीते सर्बिया दे विच निहाल सरीन ने। डिस्कस थ्रोअर सीमा पुनिया ने गोल्ड मेडल जीते है नैशनल इंटर स्टेट्स एथलैटिक्स चैंपियनशिप पटियाला दे विच। अदिति अशोक पहले ऐसे इंडियन फीमेल गोल्फ प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई कर लिया। दूती चंद ने 100 मीटर और 200 मीटर टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई किया है। ठीक है, अच्छा, रिसेंटली इन्हां दी बुक रिलीज़ की गई सी, इन्हां दी लाइफ दे उत्ते बुक जिसके राइटर सिगे संदीप मिश्रा, बुक का नाम कमेंट बॉक्स में भी दसना। जेरमी कैसल ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट किए गए ने ट्विटर दे ग्रीवियंस ऑफिसर जेरमी कैसल। द रैंक ऑफ इंडिया इन टॉप 100 कंट्रीज इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 दे विच इंडिया 100 कंट्रीज़ दे विचों 20वें नंबर ते रहे। इसनों USA द्वारा टॉप किया गया, दूसरे नंबर ते UK रहे और तीसरे नंबर ते इजराइल। ठीक है जी, इसनों सिटीज़ कैटेगरी दे विच भी रिलीज़ किया गया, सैन फ्रांसिस्को पहले नंबर ते है और इंडिया की गल करते हैं बेंगलोर 10वें नंबर ते है, न्यू दिल्ली 14वें नंबर ते और मुंबई 16वें नंबर ते। इक्विस तुकारामी एक स्पाइडर दी स्पीसीज का नाम रखा गया है तुकाराम ओंबले मुंबई अटैक्स दे मार्टियर सिगे, मुंबई अटैक्स दे विच इन्हां दी डैथ हुई सी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया कि वो वर्ल्ड दे पहले फिजिकली डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट नू लॉन्च करेगा। डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा नू कुवेंपू राष्ट्रीय पुरस्कार दिता गया, कुवेंपू राष्ट्रीय पुरस्कार ऑफ द ईयर 2020। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी एयर मार्शल ने इन्हों वाइस चीफ अपॉइंट किया गया है इंडियन एयरफोर्स के। यूएसए हैज़ अपॉइंटेड इंडियन अमेरिकन अतुल कश्यप इंटरिम एनवॉय अपॉइंट किया गया इंडिया के लिए। दीप्ति पिल्लै सिवान केरला तो बिलोंग करते ने, इन्होंने बेस्ट बायोग्राफिकल फिल्म अवार्ड डिकोडिंग शंकर मूवी दे लई, जो कि शंकर महादेवन दे नाम दे उत्ते बनाई गई सी टोरेंटो इंटरनेशनल वूमेन फिल्म फेस्टिवल दे विच। मोना विश्वरूपा महंती नू UAE दा गोल्डन वीज़ा अपॉइंट किया गया।
प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना जुलाई तो लेके नवंबर तक दे लई एक्सटेंड कर दिती गई। इसनू अप्रैल 2020 दे विच लॉन्च किया गया। फिलीपींस, फिलीपींस हैज़ इंक्लूडेड इन ग्रे लिस्ट, फिलीपींस नू FATF दी ग्रे लिस्ट दे विच ऐड कर दिता गया। केड़ी स्टेट नू सॉरी केड़ी कंट्री नू FATF दी ग्रे लिस्ट दे विच रिसेंटली ऐड किया गया है, या रखांगे फिलीपींस। फिलीपींस कैपिटल मनीला है, या रखांगे। इस तो अलावा हायती, माल्टा और साउथ सूडान भी FATF दी ग्रे लिस्ट दे विच। FATF दी गल करदे आ 1989 दे विच बनाई गई सी, या रखांगे पैरिस फ्रांस दे विच इसका हैडक्वार्टर है। ब्राज़ील, ब्राज़ील ने 325 मिलियन दी डील, 325 मिलियन यूएस डॉलर्स दी एक डील नू सस्पेंड किया है इंडिया दे नाल। कोविड 19 दी वैक्सीन दे लई, कोवैक्सीन दे लई डील सीगी। कोवैक्सीन किस द्वारा बनाई गई सी पूछा जा सकता है, तो भारत बायोटेक द्वारा। भारत बायोटेक दा हेडक्वार्टर किथे है, हैदराबाद दे विच। रशिया दी कंपनी रोसाटोम है जिहड़ी, इसने तमिलनाडु दे विच जो कुंदलकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, इसकी फिफ्थ यूनिट की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की। मणिपुर, मणिपुर चीफ मिनिस्टर द्वारा 1.2 करोड़ रुपए अनाउंस किए गए ने उस परसन दिते जाएंगे जो गोल्ड मैडल जीतेगा टोक्यो ओलंपिक्स के। WHO ने अनाउंस किया है कि चाइना द्वारा मलेरिया नू पूरी तरीके नाल एलीमीनेट कर दिता गया। जम्मू कश्मीर दे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा हौसला इनिशिएटिव की शुरुआत की गई। अ ग्लोबल सर्वे अक्रॉस 100 सिटीज़, 100 सिटीज़ दे एक सर्वे किया गया जर्मनी दे एक ब्रांड वे ब्रांड द्वारा, जिस दे विच मोस्ट स्ट्रेसफुल सिटी केड़ी रही है, मुंबई रही, यानी कि 100वें नंबर ते केड़ी सिटी रही है, मुंबई। दिल्ली इस दे विच 97वें नंबर ते रही है। पहले नंबर ते सिटी रही है रेकवाजिक, आइसलैंड दी कैपिटल है, आइसलैंड दी सिटी है। वर्ल्ड दी लीस्ट स्ट्रेसफुल सिटी, यानी कि पहले नंबर ते रही है, सब तो घट स्ट्रेस है इत्थे। सेकंड नंबर ते बर्न स्विट्जरलैंड दी, और थर्ड नंबर ते हेलसिंकी रही है फिनलैंड दी सिटी। ठीक है जी, सारा कंटेंट पंजाबी दे विच अवेलेबल है, चाहो तो पंजाबी दे विच स्टडी कर सकते हो। आपां चलांगे स्टैटिक पोर्शन दे वल। स्टैटिक पोर्शन दे विच वाइल्डलाइफ सेंचुरीज डिस्कस कर रहे हैं। तेलंगाना दे विच कवाल, पखाल, मंजीरा और पुचारम, कवाल, पखाल, मंजीरा और पुचारम वाइल्डलाइफ सेंचुरी तेलंगाना दे विच है। त्रिपुरा दे विच गुमती वाइल्डलाइफ सेंचुरी, रोवा वाइल्डलाइफ सेंचुरी और त्रिश्ना वाइल्डलाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। यूपी, उत्तर प्रदेश, हस्तिनापुर वाइल्डलाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्डलाइफ सेंचुरी, बखीरा वाइल्डलाइफ सेंचुरी, कैमूर और किशनपुर वाइल्डलाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। उत्तराखंड दे विच बिनसर, मलन, नंदौर, मसूरी और केदारनाथ वाइल्डलाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। वेस्ट बंगाल दे विच रायगंज, सेंचल और महानदा वाइल्डलाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं आज दी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़। फर्स्ट क्वेश्चन दे वल, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, विच डे इज़ ऑब्जर्वड एज वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। तो यह ऑब्जर्व किया गया कल दे दिन, यानी कि 2 जुलाई वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे दे तौर पर ऑब्जर्व किया गया। इस तो अलावा एक होर इंपोर्टेंट डे 1 जुलाई नू, जो कि अपना स्किप हो गया सी, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे ऑब्जर्व किया गया 1 जुलाई। ठीक है जी, ये याद रखेंगे। इस तो अलावा डॉक्टर्स डे अपना डिस्कस किया है, नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई नू। इस तो अलावा अपना डिस्कस किया GST डे 1 जुलाई, जुलाई के जिन्हें भी डेज ने याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाउ मैनी यूरोपियन नेशंस हैव कन्फर्म्ड दैट दे विल अलाउ ट्रैवल बाय पीपल हु हैव बीन वैक्सीनेटेड विद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड वैक्सीन। सब तो पहले याद रखेंगे जो कोविशील्ड वैक्सीन है, ये किसने बनाई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हैडक्वार्टर कितने है, पुणे दे विच है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दे हेड कौन ने, आधार पूनावाला। ठीक है, इफेक्ट याद रखेंगे। इस तो अलावा
की होया कि यूरोपियन नेशनस ने जिहड़े जिहड़े यूरोपियन यूनियन दे मैंबर ने प्लस यूरोप दे विच ने इन्हां देशां ने की किया ग्रीन पासपोर्ट की शुरुआत की। ग्रीन पासपोर्ट का मतलब है इस एक पासपोर्ट दे विच एक ऐड किया गया एक कॉलम ऐड किया गया जिस दे विच पूरी डिटेल होएगी कि परसन ने कि वैक्सीन लगवाई है कदों लगवाई है कि उसके या फिर पूरी डिटेल उस वैक्सीन के बारे उस परसन बारे इस दे विच लिखी होएगी। ठीक है, तो इसकी शुरुआत के अंडर इन्होंने कहा कि जिन्ना परसन लवे ग्रीन पासपोर्ट होएगा और पूरी तरीके नाल जो रेगुलेशनस ने फॉलो कीतिया होणगियां सिर्फ उन्होंने ही ट्रैवल करन दा मौका दिता जाएगा यूरोपियन नेशनस दे विच। ठीक है, अनाउंसमेंट की गई इस अनाउंसमेंट के चलते कोविड शील्ड वैक्सीन उस लिस्ट दे विच ऐड कर दिता गया है जो वैक्सीन अपरूव ने यूरोपियन नेशनस द्वारा। तो किन्ने नेशनस हो चुके ने? 9 नेशनस, 9 ऐसे नेशनस हो चुके ने जिन्हां दे विच 8 यूरोपियन यूनियन दे मैंबर ने प्लस स्विट्जरलैंड इस दे विच जुड़ चुके हैं। ठीक है जी, ये याद रखांगे। अच्छा, यूरोपियन यूनियन की गल कर लें तो यूरोपियन यूनियन की गल करते हैं 27 मैंबर कंट्रीज़ ने, पहले 28 होंदिया सी, ब्रिटेन इस दे विचों बाहर हो चुके है, ब्रूजल्स बेलजियम दे विच इसका हैडक्वाटर है और इसनों बनाया गया सी 1993 दे विच। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज बाय यूनाइटेड नेशनस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशनस द्वारा जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिस दे विच कहा गया कि जो इंटरनेशनल लैवल देते टूरिज्म है यह काफ़ी ज़्यादा लॉस दे विच है, काफ़ी ज़्यादा लॉस दे विच रहा है और यह उदों तक रीबाउंड नहीं हो सकेगा। कदों तक? 2023 तक यह लॉस दे विच ही रहेगा, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होएगा टूरिज्म ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, इस रिपोर्ट दे विच दस्या गया, इस तो अलावा अमाउंट दसी गई सी कि किन्ना लॉस है एनी डिटेल दे विच अपने लिए इंपोर्टेंट नहीं बनेगा। इंपोर्टेंट बनेगा WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है इसका हैडक्वाटर कित्थे है? इसका हैडक्वाटर मैड्रिड स्पेन दे विच, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड दे विच इसका हैडक्वाटर है। और इस तो अलावा टूरिज्म डे इंपोर्टेंट बनेगा, टूरिज्म डे ऑब्जर्व किया जाता है 27 सितंबर को, 27 सितंबर नू हर साल टूरिज्म डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है जी, याद रखा। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ इंक्रीज इट्स कोविड-19 वैक्सीन फंड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज बाय 8 billion to 20 billion। बेसिकली अनाउंसमेंट की गई सी इस बैंक द्वारा कि असी 8 billion तक की अमाउंट इन्वेस्ट करांगे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ ने उन्होंने कोविड-19 तो निजात पहुँचाने के लिए। ठीक है, या कहांगे कोविड-19 वैक्सीन दे विच जो डिस्ट्रीब्यूशन है या उसनू बनाने दे विच हिस्सा पाने दे लिए। ठीक है, तो 8 billion तो 20 billion दी अमाउंट कर दी गई है, अनाउंसमेंट की गई है वर्ल्ड बैंक द्वारा। किस द्वारा? वर्ल्ड बैंक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ दे विच है, वर्ल्ड बैंक दे फैक्ट इंपोर्टेंट बनेंगे, फैक्ट सारे दे डिस्कस कर लेने हैं। सब तो पहले वर्ल्ड बैंक दा हैडक्वाटर Washington DC दे विच डेविड मलपास इस दे हैड ने, IMF दा हैडक्वाटर Washington DC दे विच क्रिस्टलीना जॉर्जिवा इस दे हैड ने, ADB दा हैडक्वाटर मेट्रो मनीला फिलीपींस दे विच और इस दे हैड ने मसत्सुगु आसाकावा। AIIB दा हैडक्वाटर बीजिंग चाइना दे विच है और जिम लिक्विन इस दे हैड ने। NDB दा हैडक्वाटर शंघाई चाइना दे विच है और इस दे हैड ने मार्कोस त्रियोजो बिल्कुल रिसेंटली बनाए गए सी, याद रखांगे। इस तो इलावा वर्ल्ड बैंक की गल करते हैं, वर्ल्ड बैंक काफ़ी ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर चुके हैं इंडिया नू, तो जिस दे विचों कुछ इंपोर्टेंट डिस्कस कर लेने जो रीसेंट देने 500 मिलियन अपॉइंट दिता गया सी MSME दे लिए, कुछ दिन पहले डिस्कस किया सी। इस तो इलावा 105 मिलियन दिता गया सी वेस्ट बंगाल नू दिता गया सी 105 मिलियन ट्रांसपोर्ट सैक्टर दे विच इंप्रूवल दे लिए, 32 मिलियन रीसेंटली मिजोरम नू दिता गया सी हैल्थ सैक्टर दे लिए। इस तो इलावा 300 मिलियन दिता गया पंजाब नू, 300 मिलियन पंजाब नू और यह दिता गया सी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट दे लिए। ठीक है जी, याद रखांगे। इस तो इलावा आंध्र प्रदेश दे विच भी आपां डिस्कस किया सी सॉल्ट प्रोजेक्ट जो कि एजुकेशन दे रिलेटेड सीगा, इसनू भी
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮਾਊਂਟ ਤਕਰੀਬਨ ਆਈ ਥਿੰਕ 150 million ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਨੈਕਸਟ ਹੈ CBSE ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ CBSE ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ, 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਊਰੇਟ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਕਿਸਨੇ ਹੈ, NPCI ਦੁਆਰਾ। NPCI ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। NPCI ਦੇ ਫੈਕਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮਸ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ। NPCI ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਔਰ ਦਿਲੀਪ ਆਸਬੇ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CBSE ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਮਨੋਜ ਅਹੂਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸਦੇ ਲਈ, AI ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਮਰਜਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਪਲੀ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਗਰੀਵੀਅੰਸ ਆਫਿਸਰ ਕੌਣ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਪੂਰਥੀ ਪ੍ਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਗਰੀਵੀਅੰਸ ਆਫਿਸਰ ਕੌਣ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਗਰੀਵੀਅੰਸ ਆਫਿਸਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਬੀ ਲਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਹੈਜ਼ ਅਨਾਊਂਸਡ ਲਾਂਚ ਆਫ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਸਲਿਊਟ ਡਾਕਟਰਸ ਫੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1 July ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸੀ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਲਿਊਟ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ICICI ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਸਿਮਿਲਰ ਸਲਿਊਟ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ HDFC ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ICICI ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ICICI ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਜੀ ਸੀ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਔਰ MD ਨੇ ਇਸਦੇ ਸੰਦੀਪ ਬਖਸ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਦੀ ਟੈਗਲਾਈਨ ਹੈ ਹਮ ਹੈ ਨਾ ਖਿਆਲ ਆਪਕਾ। HDFC ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਮ ਦਿਲ ਸੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ, ਕੀਵਰਡ ਸਲਾਮ ਦਿਲ ਸੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ HDFC ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ। 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅਤਨੂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤਨੂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਔਰ CEO ਨੇ ਸ਼ਸ਼ੀਧਰ ਜਗਦੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, SBI ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ SBI ਦੁਆਰਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 360 ਸਿਲੈਕਟਡ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਕੇਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, SBI ਦੇ ਫੈਕਟ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ, SBI ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ, SBI ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਾਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਜ਼ ਅਰਨ
मोस्ट फ्रॉम ईच स्पॉन्सर्ड पोस्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम अकॉर्डिंग टू हॉपर हॉपर एच डीज इंस्टाग्राम रिच लिस्ट, कि इंस्टाग्राम दे सब तो ज़्यादा पेड परसन कौन ने, इंस्टाग्राम द्वारा सब तो ज़्यादा पेड परसन स्पॉन्सर्ड पोस्ट दे लई कौन बने ने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फर्स्ट ऑप्शन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है जी, बेसिकली टोटल इन्होंने 1.6 मिलियन डॉलर्स अर्न किए ने और यह ड्वेन जॉनसन नू पिछे छड़ के फर्स्ट नंबर पर आ गए। नेक्स्ट एम प्रसन्न हैज़ पास्ड अवे रीसेंटली, एम प्रसन्न दी रीसेंटली डेथ हो गई है, यह किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते सी, यह फुटबॉल तो बिलोंग करते सी, यह फॉर्मर प्लेयर सिगे फुटबॉल दे, एम प्रसन्न नाम इंपोर्टेंट बनेगा, सिंपली वन लाइनर दे विच याद रखांगे। ठीक है जी, नेक्स्ट हु हैज़ इनॉग्रेटेड नेशनल हॉर्टीकल्चर बोर्ड सेंटर एट ग्वालियर मध्य प्रदेश, नेशनल हॉर्टीकल्चर ब्रॉड सेंटर ग्वालियर मध्य प्रदेश दे विच किस द्वारा इनॉग्रेट किया गया, इसनू किस द्वारा किया गया, नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, बेसिकली नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री है, पंचायती राज मिनिस्ट्री है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है और इस तो अलावा फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है। ठीक है, तो नेशनल हॉर्टीकल्चर बोर्ड सेंटर कितने बनाया गया, ग्वालियर मध्य प्रदेश दे विच बनाया गया है, इनॉग्रेट किसने किया है, नरेंद्र सिंह तोमर ने, यह मोरियाना मध्य प्रदेश तो लोकसभा MP ने। ठीक है जी, इस तो अलावा बाकी ऑप्शंस की गल करते हैं, प्रकाश जावेदकर लवे इंपोर्टेंट मिनिस्ट्रीज की गल करते हैं, तो इन्हें लवे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, इस तो अलावा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है और हैवी इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री है। रिसेंटली इन्होंने एक ट्रैक इनॉग्रेट किया, नेटवर्क्स आप डिस्कस किया, कितने इनॉग्रेट किया गया सी, कमेंट, अच्छा चलो मैं दस दिना, इंदौर दे विच, पीथमपुर डिस्ट्रिक्ट इंदौर दे विच इसनू इनॉग्रेट किया गया सी। ठीक है जी, और यह राज्यसभा MP ने महाराष्ट्र को, पीयूष गोयल यह भी राज्यसभा MP ने महाराष्ट्र तो, इन्हां लवे रेलवे मिनिस्ट्री है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री है, इस तो अलावा रीसेंटली इन्हां नू कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री दे दित्ती गई सी, प्लस इन्हां लवे मिनिस्ट्री है, अगर आप गल करते हैं एक होर इंपोर्टेंट मिनिस्ट्री इन्हां लवे फूड डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री। डॉक्टर हर्षवर्धन लवे अगर मिनिस्ट्री की गल करते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री, इस तो अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, प्लस अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, चांदनी चौंक दिल्ली तो लोकसभा MP। इस तो अलावा इन्हें रिलेटेड बाकी इंपोर्टेंट न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इन्हें लवे, इन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत की है, फसल बीमा योजना के अंडर क्रॉप इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत की है, एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, इंडिया ने 75 ईयर्स की रिपब्लिक डे की सैलीब्रेशनस करनिया ने, जिस करके एक साल आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरुआत की गई है। ठीक है, इस दे अंदर डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जिस दे विच क्रॉप इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत की गई। ठीक है जी, इसी दे नाल सरकार क्रॉप इंश्योरेंस वीक ऑब्जर्व कर रही है 1 तो लैके 7 जुलाई तक। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हर साल वन महोत्सव की शुरुआत करती है, वन महोत्सव ऑब्जर्व करती है 1st week of July, सिमिलर 1st to 7 July तक वन महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिस दे अंडर ट्रीज प्लांट किए जाते हैं, टेंस एंड थाउजेंड ऑफ सैपलिंग्स पौधे उगाए जाते हैं हज़ारों के विच। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा भारत नैट स्कीम नू अप्रूवल दिती गई है, कि जो भारत नैट स्कीम है 16 स्टेटा दे विच, पंजाब भी इस दे विच इंक्लूड है, इन्हां 16 स्टेट्स दे विच की किता जाएगा, भारत नैट स्कीम नू इंप्लीमेंट कर दिता गया है, जिस दे अंडर 3.61 लाख विलेज ने जिहड़े 3.61 लाख विलेज पंचायत ने जिहड़ा उन्हां नू डिजिटाइज किया जाएगा, उन्हां नू इंटरनेट कनैक्टिविटी दे नाल कनैक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट विच कंट्री एयरलाइन, किस कंट्री दी एयरलाइन नू सिलेक्ट किया गया है 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर जिसनों ओस्कर भी जाने जाता है एविएशन इंडस्ट्री के फील्ड। ठीक है,
एविएशन इंडस्ट्री दे फील्ड दे विच ऑस्कर दे नाल जिसनू जानिया जांदा है 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड है जिहड़ा इह एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड द्वारा दिता गया बोस्टन दे विच बोस्टन यूएसए दे विच इह अवार्ड दिता गया है किसनू दिता गया साउथ कोरिया दी एयरलाइन साउथ कोरिया दी एयरलाइन नू इह अवार्ड दिता गया ठीक है इसका नाम है कोरियन एयर एयरलाइन है जो इसनू दिता गया है और पहली बार 1974 दे विच इह अवार्ड दिता गया सी इस तो इलावा डोनल्ड रम्सफेल्ड ने जेडे फॉर्मर डिफेंस सैक्रेटरी रह चुके ने यूएसए दे फॉर्मर डिफेंस सैक्रेटरी रह चुके ने इन्हां दी रीसेंटली डैथ हो गई ठीक है अच्छा करंट डिफेंस सैक्रेटरी की अगर आप गल करते हैं यूएसए दे करंट डिफेंस सैक्रेटरी कौन है लॉयड ऑस्टिन ठीक है अच्छा इंडिया दे डिफेंस सैक्रेटरी कौन ने कमेंट बॉक्स के भी तुसी दसो इंडिया दे डिफेंस सैक्रेटरी इस तो इलावा इंडिया की पहली इंडिजीनियसली मेड प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन कोविड-19 के लिए बनाई गई है जायकोव डी नाम की वैक्सीन है जो यह जायडस कैडिला अहमदाबाद द्वारा बनाई गई है ठीक है जी अगर इसनों अप्रूवल मिलती है तो 12 तो 18 साल की एज कैटेगरी के जो बच्चे ने इन्हों इस वैक्सीन के नाल लगाया जाएगा ठीक है जिस तरीके नाल कोवैक्सीन बनाई गई इसी तरीके नाल टू डी जी बनाई गई सी DRDO द्वारा उसी तरीके नाल हुण जायडस कैडिला द्वारा जायकोव डी वैक्सीन बनाई गई जो कि प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है कैटेगरी पूछी जा सकती है प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है नेक्स्ट विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड वाईएसआर बीमा स्कीम की शुरुआत किस स्टेट ने की है जिस दे अंडर डायरेक्टली इंश्योरेंस अमाउंट प्रोवाइड की जाएगी फैमिलीज़ नू जिन्हां दी डैथ हो गई है कोविड-19 कारण जिन्हां परसन की डैथ हुई है उन्हां दी फैमिलीज़ नू इंश्योरेंस अमाउंट दी जाएगी डिफरेंट स्टेट्स द्वारा डिफरेंट अमाउंट अनाउंस की गई सी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी अमाउंट अनाउंस कर दी गई सी तो आंध्र प्रदेश है जो वो YSR बीमा स्कीम दे अंडर इस अमाउंट नू रिलीज़ करेगा अमाउंट नू पे करेगा ठीक है याद रखांगे आंध्र प्रदेश दे चीफ मिनिस्टर YSR जगमोहन रेड्डी ने और इत्थे दे जो गवर्नर ने कौन ने बिश्वभूषण हरिश्चंद्रन ठीक है जी इस तो इलावा बाकी स्टेट्स दे रिलेटेड न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं सब तो पहले राजस्थान द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है चंडाविया एप्लीकेशन कलबेलिया डांस फॉर्म नू सिखान दे लई बेसिकली कलबेलिया डांस फॉर्म है जो राजस्थान दे विच परफॉर्म किया जाता है एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है इसनू कह सकते कि पेंडेमिक दे दौरान सिखान दे लई एक एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है ठीक है अपने लिए सिंपली इंपोर्टेंट बने पूछा जा सकता है स्टैटिक दे विच कलबेलिया डांस फॉर्म किस स्टेट तो बिलोंग करता है तो राजस्थान का डांस फॉर्म नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इंडियन रेलवे द्वारा फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की शुरुआत की गई है किथे क्रांति वीरा संघोली रायनायना रेलवे स्टेशन जो कि बेंगलोर कर्नाटका दे विच है ठीक है टोटल वैसे 100 ऐसे रेलवे स्टेशन अनाउंस किए गए थे जिथे इन्हों बनाया जाएगा इस दे विच पहला बना लिया गया रेलवे स्टेशन बेंगलोर दे ठीक है यह जहाँ एक सिमिलर चंडीगढ़ दे विच भी बनाया जाएगा इंडियाज़ ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग न्यूज़पेपर इंडिया का सब तो पुराना ऑपरेटिंग न्यूज़पेपर है जिहड़ा मुंबई समाचार इसने अपने 200 साल पूरे किए ठीक है क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसनू किस लैंग्वेज दे विच छापया जाता है इसनू गुजराती लैंग्वेज दे विच छापया जाता है ठीक है इत्थे ही काफ़ी ज़्यादा खेल है अगर गल करते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके नाल पूछा जाता है कि जो मुंबई समाचार न्यूज़पेपर है इंडिया का ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग न्यूज़पेपर है यह किस लैंग्वेज दे विच छापया जाता है तो गुजराती लैंग्वेज दे विच छापया जाता है ऑप्शन दे विच मराठी लिखा मिलेगा इत्थे ध्यान रखना ठीक है इस तो अलावा नागालैंड दे विच अशवा ला इंप्लीमेंट किया गया अशवा ला की है अशवा ला आर्म्ड फोर्सिस स्पेशल पावर एक्ट है 1958 दे विच यह बनाया गया सी इसका की मतलब है कि इस दे विच जो आर्म्ड फोर्सिस ने इस दे विच जो आर्मी है या आर्म्ड फोर्सिस ने इन्हां नू की दित्ती जांदी है स्पेशल पावर दित्ती जांदी है इस लॉ दे अंडर वह किसी भी जगह की चैकिंग कर सकते हैं किसी भी सस्पेशियस परसन नू अरैसट कर सकते हैं और इतों तक कि उन्होंने गोली भी मार सकते हैं ठीक है जिस तरीके नाल अगर याद होवे हिस्ट्री दे विच किसी ने पढ़िया होएगा रोलेट एक्ट
रोलैक्ट एक्ट है जिस तरीके नाल ओह बनाया गया सी, सिमिलर तरीके दे प्रोविजनज ने इस एक्ट दे विच अशवाला आर्म्ड फोर्सिस स्पेशल पावर एक्ट 1958 दे विच ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੁਸਪੈਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।